साथियों, कोरोना काल, कोरोना काल में आप सभी के इन प्रयासों की बहुत चर्चा तो नहीं हो पाई और इसलिए मैं आज विशेष तौर पर देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा हूं। डीआरडीओ हो, हमारी तीनों सेनाएं हो, बीएसएफ सहित हमारी तमाम पैरामिलिट्री फोर्स ने कोविड से जुड़े इक्विपमेंट से लेकर क्वारंटीन और इलाज तक में जिस तरह युद्ध स्तर पर काम किया वो अभूतपूर्व है। जब शुरुआत में सैनिटाइजर और फेस मास्क से लेकर पीपीई तक की चुनौती थी, तब देश की इन जरूरतों को पूरा करने का बीड़ा आप सबने उठाया। प्रोटेक्शन किट हो, डायग्नोसिस हो, वेंटिलेटर्स हो, मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी सुविधाएं हो, अस्पताल हो, हर स्तर पर आप सभी ने अपना अहम योगदान दिया है। इतना ही नहीं, जब देश के अनेक हिस्सों में भीषण चक्रवात आए, तब भी आपने मुश्किल में फंसे नागरिकों की मदद की, उनको सहारा दिया है। आपके त्याग और तपस्या से जगमगाते आपके जीवन उसी से प्रेरणा लेते हुए आज हर भारतीय दीपावली की के इस दिए इसको रोशन करे अब, और दीपावली के दिए रोशन करके आपका गौरव गान कर रहा है। साथियों, आप सभी ने मिलकर के ये भी निश्चित किया कि कोरोना संक्रमण हमारी ऑपरेशनल यूनिट्स को किसी भी हालत में प्रभावित ना कर सके। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी ने भी अपनी तैयारियों को कोरोना के कारण न रुकने दिया न थमने दिया। कोरोना काल में ही यहां जैसलमेर में भी और हमारे समंदर में भी सैन्य अभ्यास निरंतर जारी रहे। ऐसे समय में जब दुनिया के अनेक देश लगभग रुक गए हों, उस समय इस तेजी से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने ये भी करके दिखाया है। कोरोना काल में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र और साजो सामान की डिलीवरी और इंडक्शन दोनों तेजी से हुए। यही वो समय रहा जब 8 आधुनिक रफाल विमान देश के सुरक्षा कवच का हिस्सा बने। इसी कोरोना काल में तेजस की स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज हुई। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी ताकत भी इसी दौरान हमें मिली। भारत में ही तैयार 2 आधुनिक पनडुब्बियां भी कोरोना काल में ही नौसेना को प्राप्त हुई। साथियों, कोरोना काल में वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे वैज्ञानिकों के साथ ही मिसाइलें बनाने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने देश का ध्यान खींचा है। इस दौरान निरंतर खबरें आती रही कि आज इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, आज उस मिसाइल की आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि बीते कुछ महीनों में ही देश की सामरिक ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बीते 2 महीने में ही देश में अनेकों मिसाइलों के सफलतापूर्वक टेस्ट हुए हैं। 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हाइपरसोनिक
डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण ने भारत को दुनिया के 3-4 प्रमुख देशों के लिस्ट में भारत को आग ला करके खड़ा कर दिया है, भारत को शामिल कर दिया है। जल हो, थल हो, नभ हो, हर जगह से मार करने वाली लंबी और छोटी दूरी की अनेक मिसाइलों ने बीते दिनों भारत के आसमान में सुरक्षा की अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। इसी कोरोना काल में हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को फायर पावर के मामले में दुनिया की श्रेष्ठ ताकतों में शामिल कर दिया है। साथियों, आधुनिक युद्ध साजो सामान के साथ साथ देश की सरहदों पर आधुनिक कनेक्टिविटी वाले मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इसी दौरान पूरे किए गए हैं। आज अटल टनल लद्दाख की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम बना चुकी है। हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर दर्जनों पुल और लंबी लंबी सड़कें भी इस दौरान ही पूरी तरह तैयार की गई है। जब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हो, हर कोई अपने जीवन को लेकर परेशान हो, उस परिस्थिति में देश की सुरक्षा में निरंतर डटे रहे काम करके आप लोगों ने देश का दिल फिर जीत लिया है। साथियों, आप सभी की यही प्रतिबद्धता देश को रक्षा सुरक्षा के मामले में मजबूत कर रही है।